Tu não é pago o teu banco. É por a bola, Nádia. माँ विद्यश्री की महिमा यह है, थोड़ा संक्षिप्त इतिहास समझ लीजिए। हमारे आज गुरु बाबा जयराम भारती जो प्रतिदिन देवपाटन जाया करते थे, उनके अंतर्गत कहा कि मेरा एक पुराना मंदिर है जो राप्ती नदी के इस तरफ तक मैं पुनः जागृत करना चाहती हूँ, तो आप उन्हीं के लिए वहीं पूजा पाठ कीजिए। तब बाबा जयराम भारती ने कहा कि हमको कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा बिजली के रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा। तो शीशई गांव के पास उनको माँ बिजलेश्वरी देवी बिजली के रूप में दर्शन दिया और यहाँ आकर गिरी। तब से मंदिर चल रहा है और इस मंदिर का निर्माण महाराजा दिग्विजय सिंह ने करवाया। यहाँ जितने स्थानीय गैर स्थानीय लोगों का मुंडन विवाह आज कार्यक्रम होता है, चारों नवरात्र में यहाँ मेला होता है, कार्तिक पूर्णिमा अतिम कल्पी राम विवाह यहाँ विशेष मेला होता है, और जो यहाँ मानता है माता रानी उसका पूरा कहते हैं। ये माँ विद्युश्री देवी, पूरा नाम माँ विद्युतपुरा धीश्वरी के नाम से जानी जाती है। ये माँ पाटेश्वरी की छोटी बहन कहलाती है, उन्हीं का स्वरूप है, जो कि लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पे बिजली शुरू उसके 300 वर्ष बाद मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि महत्व मंदिर का ये है कि यहाँ पे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और मंदिर पे पूरे बलरामपुर ज़िले के जो मुंडन बच्चे के मुंडन संस्कार होते हैं वो इसी मंदिर पे होते हैं। बड़ी संख्या में दूर दराज से नेपाल से विदेशों से भी नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। जय माता दी, जय माता दी।